हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ वन्ना दवे फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। वेलकम टू अवर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स वन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 इन योर बुक। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सी सेक्शन का एग्जांपल जो तो आज आप आई सेक्शन नो एक्जाम्पल जोईशू। तो सौ पहला अपने क्वेश्चन जो लीए, तो क्वेश्चन एवं है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन टॉप एंड बॉटम फ्लेंज इज 100 × 50 mm एंड वेव सरफेस 10 mm by 230। फिगर गिवन नहीं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। अब ये साइज आपके चाहिए, आपको क्वेश्चन में हम लिख देंगे कि टॉप एंड बॉटम फ्लेंज 100 mm by 50 mm, टॉप एंड बॉटम फ्लेंज 100 mm by 50 mm। क्लियर? एंड वेव ऑफ साइज इज 10 mm by 230 mm। वेव साइज 10 mm by 230 mm। क्लियर? हमें साइज गिवन छे, आपने खाली फिगर ड्रॉ करवाई छे, फिगर तक गिवन नहीं। 100 mm by 50 mm, clear top and bottom flange। So सबसे पहला फिगर ड्रॉ करवानी छे, तो फिगर ड्रॉ करने से सबसे पहला टॉप एंड बॉटम फ्लेंज आते हैं छे। फ्लेंज में तो मैं लास्ट टाइम भी दूं तू जब ऊपर नीचे हम फ्लेंज ले सो जो बेस छे ना आपके वेब पेज से तुम्हारा टी सेक्शन आ तो एक प्रमाण है प्रमा बी फ्लेंज है। एक्जेक्ट एना जो साइज एंड शेप हो तो तुम्हारे
फिर आपको जो क्वेश्चन है उसमें से सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस एक्सिस एंड सिमेट्रिकल अबाउट वाई वाई एक्सिस। क्लियर?
सो थोड़ुक चेंजिस कराया छे आपणे बिकॉज जे आपणे आई एक्स एक्स छे अहींया लखी नाख्युं छे आई वाय वाय अहींया लखी छे बिकॉज जे तमारा अहींया जे एच नी वेल्यू जे छे ए आपणे जोवी पड़शे बिकॉज तमारुं एक्स नु जे छे ऑलवेज झीरो थशे बिकॉज आ तमारुं आखुं वन लाइनर छे लखी पण जे तमारे एच नी वात छे तो एच तमारुं अहींयाथी डिस्टन्स छे अहींयाथी छे अने लास्टमां आ थर्ड पोर्शन डिस्टन्स छे डिस्टन्स तमारा चेन्ज थशे तो तमारा एच नी वेल्यू झीरो नहीं थाय प्लस
i by by 2 plus i by by 3. Value of one is 1.25 into 10 raised to 6, 90.166 10 raised to 3 plus 1.25 10 raised to 6. Then the answer is i by by 1 is addition kare pachi m and s to 14 to tomorrow answer us. Clear? Say the mouth is i y y. So calculation kare liye apne. To calculation kare pachi tomorrow answer us answer che 2.519 into 10 raised to 6 into 10 raised to 6. Clear? अगर i x x 1 मार्टे स्टार्ट करिए तो i x x 1 i g plus a x square x हो जाए y bar minus y 1. तो y bar आपके पॉइंट है तो y 1 का क्या रेशियो आना मिडल पॉइंट थी बेस द स्पेसिफिक डिस्टेंस आना आपका रेशियो y 1 आना आपका रेशियो y 2 आना y 3 का क्या रेशियो आना मिडल पॉइंट थी नीचे नो डिस्टेंस y 2. क्लियर? तो y2 जैसे ये अरे y पर अरे सिमिलर तो से तो तुम्हारो y2 बड़ी से फार्मूला उसे i x x के अलावा का x सिमिलर तो से पर तुम्हारो फर्स्ट मार्ट है जीरो नहीं है तो y1 y पर कितने तो से तुम्हारो फर्स्ट को अपने यहां हाफ करिए 15 को हाफ तो 7.5 प्लस 230 प्लस 15 तो 252 2.50. Clear? 15 is sorry, 5 hours left, 250, 2.5. At the moment, I 1, y 1 is. So, y bar 50 is, so y bar is 130 minus y 1. That is 130 minus 252.5. At which value are you going to I g कितना था से b d cube by 12 सो तमारो यहाँ breadth into depth 100 into 15 cube divided by 12 अबे area यहाँ पे direct तब कर देसो number of area ये बन सो तो से 100 into 15 plus 100 into 15 x कितना से कहीं जब पे value लग गई से direct तब कर देसो काम कैलकुलेशन करें आंसर ना वर्ष तो मालूम से आई एक्स एक्स वन जे एम एम प्लस टू फोर मा आंसर आ उसे सो कैलकुलेशन पर चलिए हम आंसर आ उसे आंसर से 22.537 10^6 सिमिलर जो ये अपना आई एक्स एक्स टू मार्टे तो आई जी प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स टू तो से y bar minus y2 पर y2 आपने कबर से y2 कितना चल 130 चल y bar कितना चल 130 तो हमारा आंसर जैसे 0 में जैसे लाइजिंग वैल्यू लगवानी चाहिए db cube by 12 डेप्थ कितनी चाहिए 230 डेप्थ चाहिए अलग डेप्थ कितनी चाहिए 10 सॉरी आपने i x x को मार्ट कर चाहिए db cube by 12 आपसे ब्रिंट कितनी चाहिए 10 into 230 cube divided by 12 and our I x x 2 months so calculation करने answer का हमारा जो m plus 2 4 ma I x x 2 तो हमारे answer आ रहा है ये answer आ रहा है 10.139 10^6 10.139 10^6 इसके बाद I x x 3 मार्टे बात करिए तो ig plus ax square x को कैसे y bar minus y 3 ठीक है तो y bar की कुछ 130 से y 3 की तो कैसे 7.5% तो जब आपने y bar minus y 3 करी थी अरे y bar minus y 1 करी थी ऑलवेज तो हमारा सिमिलर है उससे एरिया पर सिमिलर है अरे ig पर सिमिलर है बिकॉज जब हमारे ये कंपोनेंट सिमिलर हो तो ऑलवेज तो करो i y bar या i y bar जेपर से i x से तो हमारा सिमिलर थे जैसे i x x 1 चिप तमारो i x x 3 ते जसे clear तो तमारो value same लगा है 22.537 10^6 m m raise to 4 तो अब आप i x x मार्टे से करी से
IXX1 plus IXX2 plus IXX3. Clear? तो त्रण एरो एडिशन करवानो छे. एडिशन करे तो तमने जे आंसर आवशे, आंसर छे 55.213 10^6. 55.213 10^6 mm^4. तो आ तमारो छे IXX. क्लियर? तो आपणे IYY ने IXX फाइंड कर्युं छे आई सेक्शन माटे. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपणे आई सेक्शन अज पर सीमेट्रिकल नथी एवो क्वेश्चन सॉल्व करीशुं. सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.